subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. कोरोना महामारी के संकट के कारण पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना वायरस से बचने के लिए इस महामारी से गरीब तबके के लोग जैसे रोजाना काम करने वाले मजदूर इत्यादि को समस्या से जूझना ना पड़े, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से गरीब तबके के लोगों को अनाज देने का आदेश दिया गया है राशन की दुकानों पर। अब इन गरीबों को राशन मिल पा रहा है या नहीं, इसी को लेकर सर्वे करने के लिए नवी मुंबई बीजेपी उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय, जिला सरचिटनीस सतीश निकम, अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यालय मंत्री सुरेश गायकवाड़ के माध्यम से राशन की दुकान की जानकारी ले गई। इस संदर्भ में अधिक जानकारी बीजेपी नेताओं ने दी है कि आखिर क्या चल रहा है, राशन की दुकानों पर नागरिकों को क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार, पिछले शुक्रवार को हमारे जिला के प्रभारी भाजपा के सचिव आदरणीय श्री संजय उपाध्याय जी, जिला अध्यक्ष श्री रामचंद्र गरज जी, महासचिव श्री सतीश निकम जी और बहुत से कार्यकर्ता ऑनलाइन मीटिंग किए, जिसमें वरिष्ठ लोगों ने हम लोग को ये निर्देश दिया कि आप लोग थोड़ा घर से निकलो और जगह जगह पर जो राशन की दुकानें हैं वहाँ जाकर निरीक्षण करो कि जो गरीबों को अन्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। केंद्र सरकार के तरफ से जो चावल और गेहूं आया है उसका सही ढंग से वितरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे सतीश निकम जी, सुरेश गायकवाड़ जी जो तुर्वे के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनके साथ हम लोग ने कम से कम 4-5 दुकानों पर निरीक्षण किया और वहाँ पर पाया कि कहीं कहीं तो जो रेगुलर अपना सामान था उसका तो वितरण हुआ, लेकिन जो सरकार की तरफ से जो योजना है उसके राशन जो आना चाहिए था अभी तक आया नहीं। आज कुछ दुकानों पर सिर्फ चावल आया है और हमें ये बताया गया है कि हर व्यक्ति को जिनके पास राशन कार्ड है उनको 5 किलो चावल देंगे, लेकिन गेहूं के बारे में, दाल के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। और कुछ दुकान पर ऐसे भी है जो 1 महीने से खुली भी नहीं है और वहाँ पर हम लोग ने पब्लिक से पूछा तो बोले हमको कुछ भी नहीं पता, ये दुकान वाला कभी महीने में 1-2 दिन खुलता है और उसी दिन अपना मतलब जो उसके पास सामान रहता है वो जो आया उसको दे देता है, बाकी लोग को नहीं मिलता है। तो इस चीज़ का हम लोग अपने वरिष्ठ नेताओं से निवेदन करते हैं कि सरकार की तरफ ये मुद्दा रखे और गरीबों को सही ढंग से राशन कैसे पहुँचे इसके ऊपर ख्याल करें। साथ ही साथ बहुत से लोग ऐसे मिले जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, जो मजदूरी करते हैं उनके पास आधार कार्ड तो है, कोई जरिया नहीं है। वो औरतें हमको जो तुरभा में मिली झोपड़पट्टी एरिया है और उन लोग रो रहे कि आखिर हम लोग कहाँ जाए। इसके लिए भी सरकार को कुछ सोचना पड़ेगा और साथ ही साथ ये भी कोशिश करें कि सिर्फ चावल और गेहूँ आदमी खाकर कैसे रहेगा, उनको जो दाल है जो रेगुलर दाल भी है वो तुअर की वो 2 महीने पहले राशन की दुकान पर पहुंचे और ये 2 महीने से नहीं पहुंचे तो बेचारे सिर्फ चावल और गेहूं खाकर कैसे रहेंगे। मेरा सभी लोगों से निवेदन है इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। वाशी थी इतले राशनिंग अधिकारी श्री मुळुक यांची आज आम्ही भेट घेतली आणि जी काही पाहणी आम्ही आज केली आहे त्या पाहणीचा एक प्रकारे त्यांच्या निदर्शनास आणून दिले की आज लोकांना राशनिंगच्या धान्याची खूप आवश्यकता आहे। शासन आणि केंद्र सरकार हे धान्य उपलब्ध करून देत आहे पण काही दुकानदारांच्या आडमुट्या धोरणामुळे ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही, याच्यामध्ये येणाऱ्या ज्या अडचणी आहेत त्याच्या संदर्भात आज चर्चा झाली आणि मुळुक साहेबांनी आम्हाला असं आश्वासित केलं आहे की 91 दुकानदार आज नवी मुंबईमध्ये आहेत की त्यांच्यामार्फत ते धान्य जवळजवळ सर्वच लाभधारकांना हे पोचवलं जाईल। त्यात पिवळा आणि केशरी असे 2 प्रकारचे रेशन कार्ड ज्यांचे आहेत त्यांना हे धान्य उपलब्ध झालेलं आहे। थोड्याफार फरकाने ते उपलब्ध होईल, काही दुकानांमध्ये पोचते अजून ते, पण ते पुढच्या 2 दिवसांमध्ये निश्चित पोचेल असं त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलेलं आहे। आवाज टुडे ब्युरो रिपोर्ट। सबस्क्राइब टू आवाज टुडे, क्लिक ऑन द बेल आयकन फॉर लेटेस्ट नॅशनल अँड इंटरनॅशनल बझिंग न्यूज।